वेरी गुड मॉर्निंग डियर हार्दिक स्वागत है इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास इवेंट्स और विशेष घटनाओं की जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है अलोंग विद वीडियो के आखिर में हम आपको देंगे कुछ बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस भी व्हिच आर बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स दैट वी डिस्कस हियर टुडे आप जरूर इन सभी सवालों को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए और इनके उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको सभी एग्जाम्स में बेहद लाभ प्राप्त होगा तो आइए फ्रेंड्स फिर अब शुरुआत करते हैं 20th फरवरी दैट इज 20 फरवरी अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की सबसे पहला फैक्ट यहां संबंधित है वर्ष 1907 के संग नोबेल लॉरेट फ्रेंच केमिस्ट हेनरी मोसान पास्ट अवे अर्थात नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि एक फ्रांसीसी रसायन विज्ञानिक थे हेनरी मोइसन का निधन आज ही के दिन वर्ष 1907 में हो गया था

or inorganic rasayan Vigyan ke professor bangaite he took up the study of fluorine compounds in 1884 and few years later by electrolyzing a solution of potassium fluoride in hydrofluoric acid he prepared the highly reactive gas fluorine fluorine is a chemical element which is known by the symbol f and it has the atomic number 9 अगर आधुनिक समय की बात करी जाए तो ओनली इन एग्री केमिकल सेक्टर बट ऑल्सो इन हेल्थ सेक्टर और तकरीबन 20 प्रतिशत तक मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स कंटेन फ्लोरीन अपने समय में हेनरी मोसान स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट एंड इट्स रिएक्शंस विद अदर एलिमेंट्स उन्होंने एसिटलीन के उत्पादन की व्यवसायिक रूप में लाभदायक विधि भी तैयार करी फॉर दिस अचीवमेंट ही द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन द दर हंड्रेड लेटर इन लाइफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस हिम एज द कमांडर डे लालीजियन विच वॉज अ बिग ऑनर और अगर वर्ष एटीन नाइनटी थ्री की बात करी जाए तो मोसिन ने एरिजोना में डियाब्लो कैन के पास एक मिट्योर क्रेटर में पाए गए उल्का पिंड के टुकड़ों का भी अध्ययन शुरू किया था इसको उन्होंने बताया इट मेड अप ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। इन इन 1905 मिनरल मोसेनाइट हिज ऑनर। अब अगर भारत के संदर्भ में बात करी जाए तो 2009 वर्ष में नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री के विजेता थे वेंकट रमन रामाकृष्णन जिन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की थी ऑन आरएनए स्ट्रक्चर ऑफ राइपोसोमल यूनिट और अब आइए देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट जो कि संबंधित है वर्ष 1990 के साथ व्हेन फेमस इंडियन रोअर स्वर्ण सिंह वाज बोर्न अर्थात प्रसिद्ध भारतीय रोअर स्वर्ण सिंह का जन्म हुआ था आज ही के दिन इन 1990 स्वर्ण सिंह भारत के प्रसिद्ध रोअर हैं जो पंजाब स्टेट से संबंधित हैं वर्ष 2011 में उन्होंने ब्रोंज पदक जीता था एट द एशियन रोइंग चैंपियनशिप्स He He won 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 the 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 2013 Asian 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 Championships and won bronze at the 2014 Games Games as well. He won the gold medal in the 2018 Asian Games in 2018 men quadruple sculls. क्योंकि दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं रोइंग स्पोर्ट की जिसके बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं जानते होंगे तो ये जानना जरूरी हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि रोइंग स्पोर्ट की जब बात करें तो रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इज देंट्रल बॉडी फॉर दिस गेम एंड इट वॉज फॉर्म इन ऑगस्ट थर्टीन नाइन इसका उद्देश्य था टू मेक द स्पोर्ट ऑफ रोइंग मोर पॉपुलर इन इंडिया इट इज एफलिएटेड विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड द एशियन रोइंग फेडरेशन इसके मुख्यालय की अगर बात करें अर्थात हेडक्वार्टर्स कहां स्थित हैं तो आप याद रखिये की तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जिहा चेन्नई शहर में है इसके हेडक्वार्टर्स स्थित तो यहां जल्दी से आप ये भी जान लीजिए कि कौन है इसकी प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है मिसेस राजलक्ष्मी सिंह देव इस संदर्भ में जल्दी से यह भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से हैं भारत के लीडिंग रोवर्स के नाम और यहां नाम आता है दत्तू बबन होकनल का बजरंग लाल ठखर का जिन्होंने जीती थी फर्स्ट इंडिविजुअल रोइंग गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट टू एशियन गेम्स हेल्ड इन ग्वेंसाओ इंदरपाल सिंह और कसम खान तो अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1994 व्हेन इंडियन वुशु प्रैक्टिशनर सूर्या भानु प्रताप सिंह अर्थात भारतीय वुशु के खिलाड़ी सूर्य भानु प्रताप सिंह का आज ही के दिन वर्ष 1994 में जन्म हुआ था सूर्यभानु प्रताप सिंह एक भारतीय वुशु प्रैक्टिशनर हैं हु बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही वन ब्रोंज एट द 2015 वुशु चैंपियनशिप इन जकार्ता दैट इज इन इंडोनेशिया एंड अनदर ब्रोंज एट द 2017 वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप इन कज़हान इन द मेंस संडा 60 केजीस कैटेगरी ही आल्सो वन द गोल्ड मेडल एट 2016 साउथ एशियन गेम्स इन द सेम कैटेगरी

वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के तहत यह एक अंतरराष्ट्रीय खेल बन गया है और यह फेडरेशन हर दो साल में विश्व वुशु चैंपियनशिप के साथ साथ कई इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करता है इसके मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में स्थित हैं एंड इट वाज़ फाउंडेड इन 1990 Has become an official event at the Asian Games, अगर बात करी जाए तो कौन है फिर यहाँ के प्रसिद्ध वुशू के खिलाड़ी तो इनमें आप नाम याद रखियेगा जरूर से पूनम खत्री का राजवीर सिंह और प्रवीन कुमार का और प्रवीन कुमार एक ऐसे प्लेयर हैं Who became the first one to win gold medal at the Wushu World Championships? और अब आइए देखते हैं दोस्तों फिर अगला फैक्ट कौन सा हमारा है और ये संबंधित है वर्ष 2009 के साथ कि किस प्रकार से हर साल वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है आज ही के दिन विश्व भर में अर्थात सामाजिक न्याय विश्व दिवस हर साल समूचे विश्व में आज ही के दिन मनाया जाता है वर्ष 2009 के बाद से On February 20, 2009, the United Nations observed the first World Day of Social Justice to spread awareness about the connection between social justice and poverty eradication. 1995 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा डेनमार्क के कूपनहेगन में सामाजिक विकास के लिए एक विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से तकरीबन 100 से अधिक राजनीतिक नेताओं ने गरीबी उन्मूलन पूर्ण रोजगार के लिए सकारात्मक कदम उठाने और स्थिर न्यायपूर्ण और सुरक्षित समाज बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने का संकल्प लिया this summit resulted in the copenhagen declaration and program of action in 2007 november the un general assembly decided to observe 20th february every year as the world day of social justice starting from the year 2009 apne resolution res 6210k यह दिन सामाजिक एकीकरण और पूर्ण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है और दुनिया में गरीबी को मिटाने के लिए मनाया जाता है इट ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन डीसेंट वर्क जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच प्रमोट्स ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम एंड ऑल्सो इंश्योर्स एडिक्वेट रेम्यूनोरेशन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लेबर्स दैट पीपल डू एवरी ईयर द यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात आईएलओ दिस डे विद डिफरेंट थीम्स हाईलाइटिंग द फोकस आइडिया ऑफ दैट ईयर अब थीम्स के संदर्भ में 2020 तो अर्थात बीते वर्ष की अगर हम यहाँ बात करें चूंकि तेरवा एडिशन था वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे का तो इस दिन की थीम दो में थी क्लोजिंग द इनक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस और अगर हम यहाँ बात करें वर्ष तो 2021 अर्थात वर्तमान वर्ष की तो इस साल आज के दिन की थीम है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनमी और अब इसके साथ चल के देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस आज हमारे साथ हैं यहाँ और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ है हु अमंग द द फॉलोइंग वन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन द ईयर 2009 अर्थात निम्नलिखित में से किसने 2009 वर्ष में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था ऑप्शन आपके सामने है ए सी वी रमन बी वेंकट रमन रामाकृष्णन सी हर गोविंद खोराना या डी सुब्रमण्यन चंद्रशेखर नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट स्वर्ण सिंह अर्थात स्वर्ण सिंह का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कुछ इस प्रकार की ए चेस बी टेनिस सी रोइंग या डी क्रिकेट एंड थर्ड क्वेश्चन इज वे आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड यानी कि द रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है इसकी लोकेशन ऑप्शंस आपके सामने चार शहरों के नाम के रूप में दिए गए हैं जैसे कि ए मुंबई बी चेन्नई सी पानाजी या डी कोची एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्ड मेडलिस्ट स्पोर्ट्समैन प्रवीण कुमार इज एसोसिएटेड विद विद स्पोर्ट अर्थात स्वर्ण पदक पाने वाले खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस खेल के संग जुड़े हैं ऑप्शन है ए गोल्फ से बी बैडमिंटन खेल से सी वुशु से या डी रोइंग से एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच डे इज ऑब्जर्वड एज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस अर्थात किस दिन को सामाजिक न्याय विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है

सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी ये जो एक थीम है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस से संबंधित ये किस वर्ष में इस दिवस की थीम रही है क्या ये ए 2019 की थीम थी और इट वाज एसोसिएटेड विद 2020 और इज इट सी 2021 यानी कि वर्तमान वर्ष या फिर इट इज डी 2018 अब इन सभी दिलचस्प सवालों और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को दोस्तों हम यही समाप्त करना चाहेंगे इस आशा के साथ कि आपको इससे बहुत लाभ मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलिएगा विद दिस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर सेशन विद